नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपिलेश जीके में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे YouTube चैनल कैसे वेरीफाई करें। दोस्तों आपने अपना YouTube चैनल क्रिएट कर लिया है लेकिन आपके वीडियो पर थंबनेल नहीं लग रहा है। दोस्तों थंबनेल ना लगने का कारण है आपका YouTube चैनल आपने वेरीफाई नहीं कर पाया है। जब तक कि आप YouTube चैनल वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपको YouTube पर थंबनेल लगाने का कस्टम थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे कि YouTube पर थंबनेल कैसे लगाएं और YouTube चैनल वेरीफाई कैसे करें। जब तक आप YouTube चैनल वेरीफाई नहीं करते हैं आपके 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको मोनेटाइज के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपका नहीं होगा। क्योंकि जब आप YouTube चैनल वेरीफाई करते हैं तब आपको एक पासवर्ड एंटर करना पड़ता है, वो पासवर्ड आपको लिख कर रखना है और हमेशा याद रखना है, जिससे आप किसी भी मोबाइल में किसी और फ़ोन में अपना YouTube चैनल फिर से ओपन कर सकें और फिर से वीडियो अपलोड करना शुरू कर पाएँ। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बारीकी से बताएंगे YouTube चैनल कैसे वेरीफाई करें और अपने वीडियो में कस्टम थंबनेल कैसे लगाएं। तो जब दोस्तों आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हाय गाइस, हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। यहीं आपको बताएंगे कि YouTube चैनल कैसे वेरीफाई करें, तब जाके हमें कस्टम थंबनेल का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे दोस्तों और यहाँ पे सर्च करेंगे अपना YouTube। आपको सर्च करना है YouTube.com। यहाँ पे आप सर्च करेंगे दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना, ये हमारा जो है थोड़ा छोटा छोटा इसमें दिखाई देगा, फिर हमें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक एरो वाला निशान, हमें यहाँ पे आपका लोगो भी आ जाएगा। हमें यहाँ पे इसे डेस्कटॉप साइड पे कर लेना है। दोस्तों मेरे में पहले से ही डेस्कटॉप साइड है, आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे डेस्कटॉप साइड पे तो ये डेस्कटॉप साइड पे हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे इसे डेस्कटॉप साइड ऑफ कर दिया था, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। डेस्कटॉप साइड को ओपन करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये कंप्यूटर की तरह धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कोने में आपको अपना लोगो वाला आइकन दिख रहा होगा, तो लोगो वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे लोगो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, सेटिंग वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका चैनल आ गया है, सब कुछ आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर्स, क्रिएट ए न्यू चैनल, व्यूज एडवांस सेटिंग। तो आपको चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही चैनल एंड स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से धीरे धीरे ये गूगल में YT स्टूडियो अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपली ये धीरे धीरे हमारे फ़ोन में ओपन होगा। उसके बाद दोस्तों हमें थोड़ा रुक जाना है थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में और नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण ये थोड़ा लेट हो रहा है। तो हम सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है बेसिक इन्फॉर्मेशन एडवांस सेटिंग सोज गैन एक्सेस इन द फ्यूचर्स एंड विशेज। तो आपको दोस्तों यहाँ पे लिखा है फ्यूचर्स द इक्वालिटी, फिर डिफ़ॉल्ट फ्यूचर्स। तो आपको यहाँ पे लिखा होगा इनेबल, आपको पहले से ही इनेबल है तो आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको इनेबल पर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एरो वाले निशान पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरीफाई फ़ोन नंबर। तो आपको वेरीफाई फ़ोन नंबर से करना है, डिफ़ॉल्ट फ्यूचर्स इनेबल। तो आपको फ़ोन नंबर पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। तो क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से धीरे धीरे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से धीरे धीरे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेस्ट मी पर आपको क्लिक कर देना है, टेस्ट मी वेरीफाई कोड पे आपको क्लिक कर देना है। ये डेस्क जो आपको दिख रहा है वो आपको टेस्ट मी वेरीफाई कोड पे लगा देना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट योर कंट्री क्लिक कर लेनी है, कंट्री हमारी इंडिया है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर आपको भारतीय जीरो फ़ोन नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। तो जो भी फ़ोन नंबर आपको इंटर करना है दोस्तों यहाँ पे, वो आपको दोस्तों किसी को बताना नहीं है, ठीक है। फ़ोन नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको एक OTP जाएगा आपके फ़ोन में इसी नंबर पे। OTP जाने के बाद आपका ये, जैसे कि मैं आपको बता दूं मैंने यहाँ पे ये फ़ोन नंबर इंटर कर दिया है। तो एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों यहाँ पर फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद एक OTP आपके इसी नंबर पर फ़ोन में आएगी, वही OTP यहाँ पे कोड में पड़ जाएगी। उसके बाद आपको सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपका ये चैनल वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इस तरीके के ट्रिक हम देते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।